हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है शनन विनर इंडेक्स। सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शंस, डी डाइवर्सिटी, बी डाइवर्सिटी, वाई डाइवर्सिटी। सेकेंड है शनन विनर इंडेक्स। इसका इंट्रोडक्शन से है किसी हैबिटेट की सूची तैयार करने में बहुत टाइम एंड एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, परंतु यह सब होने के बाद भी एनिमल कम्युनिटी की स्ट्रक्चर को समझने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है मिलता है। बायोडायवर्सिटी किसी जीव ग्रुप में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के आधार पर थ्री टाइप की होती है। फर्स्ट है डी डाइवर्सिटी, यह किसी कम्युनिटी एवं हैबिटेट के अंदर पाई जाने वाली जीवों के बीच की विविधता है। अगला है बी डाइवर्सिटी, यह दो अलग अलग हैबिटेट में पाए जाने वाले जीवों के बीच की विविधता है। अगला है बायोडायवर्सिटी, यह डी एवं बी डाइवर्सिटी के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा एक जियोग्राफिकल एरिया की रेंज में पाए जाने वाले जीवों के बीच की विधि है। सेकंड है शनन विनर इंडेक्स। डी डाइवर्सिटी, बी डाइवर्सिटी एवं वाई डाइवर्सिटी में संबंध जो है निम्न प्रकार हैं। वाई डाइवर्सिटी इक्वल टू डी डाइवर्सिटी प्लस बी डाइवर्सिटी प्लस क्यू बराबर टोटल नंबर ऑफ हैबिटेट ऑफ कम्युनिटी। क्यू का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी। डी डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी की औसत वैल्यू और बी डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी की औसत वैल्यू। यह संक्षिप्त में शनन विनर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी सहायता से हम किसी यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज की गणना भी कर सकते हैं तथा स्पीसीज क्वालिटिबिलिटी के विषय में भी बना सकते हैं। इसके द्वारा दो या दो से अधिक इकोसिस्टम के बीच डाइवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। इसके लिए शनन विनर इंडेक्स एक गणितीय फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, जिसकी थ्योरी बहुत कठिन है। एच डैश का मीनिंग है शनन विनर इंडेक्स बराबर एन आई अपॉन एन लॉग एन आई अपॉन एन। एन आई को इम्पोर्टेंस वैल्यू ईच स्पीसीज कहते हैं, कैपिटल एन को टोटल नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस वैल्यू कहते हैं, पी आई को इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर ईच स्पीसीज। पी आई का मतलब है एन आई अपॉन एन और एच डैश का मतलब है शनन विनर इंडेक्स। ये इसका शनन विनर इंडेक्स का फॉर्मूला है। साइंटिस्ट शनर विनर इंडेक्स ने गणितीय लोग से ज्ञात किया कि विभिन्न अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जो किसी समूह से उन अवयवों की संख्या कितनी है। इसके द्वारा यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कम संख्या वाले ग्रुप शनन विनर इंडेक्स से कम प्रभाव रखते हैं, जबकि अधिक संख्या वाले समूह शनन विनर इंडेक्स पर ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। जैसे कि पहले बताया गया है कि अगर सभी ग्रुप में समान टाइप के अवयव होंगे तो शनन विनर इंडेक्स सरल प्रजाति पर यूनिट एरिया के बराबर होंगे। जैसे स्पीसीज में भिन्नता आती जाएगी, शनन विनर इंडेक्स भिन्न होता है। अपने छोटे तथा सिंपल आकार एवं कम गुणवत्ता डाटा के कारण शनन विनर इंडेक्स कुछ विशेष गणना के लिए भी लाभदायक हैं। बहुत से साइंटिस्ट जैसे बुलेक, हर्बेस्ट, टोलर आदि इससे पूर्णतः सहमत नहीं हैं। यह है इसका ग्राफ। अगला है द शनन विनर इंडेक्स। शनन विनर इंडेक्स और एच डैश इंडेक्स, जो कि इंफॉर्मेशन थ्योरी फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्रमिक फैक्टर्स होते हैं, जिसे निम्न फाइगेस से स्पष्ट होता है। उपयुक्त तथ्यों से साइंटिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शनन विनर इंडेक्स बायोडायवर्सिटी इंडेक्स के अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका रेफरेंस है द बायोलॉजी ऑफ बायोडायवर्सिटी।